पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर पुस्तक राजस्थान सामान्य ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया धरोहर कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार धरोहर राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक धरोहर जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। तो अगर आपको करना है पूरा सरकारी नौकरी का सपना, बना लो इस धरोहर पुस्तक को अपना। मिशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। सबको वेरी 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 गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सेट के सभी पेपर हो चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि मिशन में इस पर जो लगातार क्लासेस चल रही है सभी एग्जामों के लिए, और एग्जामिनर की जो सोच है वो मिशन से बाहर नहीं निकल पाती है। कल जब मैं रात को क्वेश्चन आंसर करा रहा था तब भी मैंने देखा था कि जो मैं यहाँ व्याख्या कर रहा था वो कल क्वेश्चन वो यूं के वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो संजय कुमार जी, अनूप सिंह जी, मोहित शर्मा जी, अशोक कुमार, ठीक है, संत कुमार जी, मोहित शर्मा, अनूप सिंह, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। राम राम जी, राम राम जी, राधे राधे, ठीक है, संजय कुमार जी, ऑल फ्रेंड्स को भी गुड इवनिंग, शाबाश। रामचंद्र गुजर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मिशन हर बार करता आपके लिए, ठीक है, जो क्लासें यहाँ पर मिशन के चैनल पर आपके लिए लगाई जाती है और प्रश्न जो है प्राय उन्हीं क्लासों में से आते हैं। ठीक है, इस बार का जो पेपर है, चारों पेपर जो है लगभग सिमिलर मोड पर चले हैं। एक ही टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन जो है चारों पेपर में पूछे गए हैं। एक टॉपिक ले लिया, उसके चार क्वेश्चन बना लिए अलग अलग, और हर पेपर में एक एक क्वेश्चन चारों टॉपिक्स का, मतलब एक ही टॉपिक के चार क्वेश्चन चारों पेपर में चले गए हैं। तो पेपर जो है सामान्य से थोड़ा सा दिख रहा है, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक्स है और जो करंट जीके हैं उनके जो सवाल है थोड़े से बढ़िया चले हैं, जबकि राजस्थान कला संस्कृति के सवाल सामान्य रहे हैं। तो गोपाल वगोरा जी, अर्जुन नेगी जी, राधे राधे, राधे राधे, अनुपश्री, सोनम चौधरी, सोनम गुजर जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, राधा सेन। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो अभी मैं पहले सुबह वाली जो शिफ्ट है उसका पेपर कराऊंगा, इसके बाद दूसरी शिफ्ट का पेपर जो सॉल्यूशन चलेगा। पहले सुबह की शिफ्ट का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और बाद में जो है सेकेंड शिफ्ट वाले का जो है पेपर है उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है निम्न में से जो है सम्मिलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिया गया है और एक तरफ जो है आपके खदान दी गई है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर आप देखेंगे कि पहला जो है आपका, ठीक है, पहला जो सवाल यहां पर दिया गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ भाई, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में रामगढ़, पश्चिम बंगाल में बैतूल, झारखंड में सरगुजा, ओडिशा में संबलपुर, ये इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, चलिए शुरुआत कर देते हैं आपकी तरफ से, एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आ जाए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रंगीला राजस्थान, गांव लीलारिया, राम राम सा, हरी किशन, गुड इवनिंग सर, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, पूजा मीणा जी, अनूप सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। सुमेलित है दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित है, अच्छा कौन सा सही सुमेलित पूछा गया है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश और रामगढ़ सही सुमेलित नहीं है, पश्चिम बंगाल बैतूल सही सुमेलित नहीं है, ये एमपी में है बैतूल, ठीक है, सरगुजा की खाने जो है आपके छत्तीसगढ़ में है, और संबलपुर जो है कालाहांडी, संबलपुर, कोरापुट, ये लोहेश की खाने हैं जो कि ओडिशा में ही है। तो यहाँ पर ये पहला सही है, ठीक है, कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिरी, ठीक है, लोहे अयस्क मैंगनीज की यहाँ पर खाने हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले सुमेलित है पूछा,
और अब सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखो काकणी या काकने, ठीक है ना, बूझ झील में जाकर गिरती है, मसूरड़ी, काकणी, काकने, बिल्कुल सुमेलित है। बाणगंगा आप जानते ही है, ठीक है, विराट की पहाड़ी से निकलती है बाणगंगा नदी जयपुर और फिर आगे भरतपुर के वहां जाकर, पहले तो यमुना में मिलती थी, आजकल जो है भरतपुर के आसपास ही फैल जाती है। ठीक है, ये डाई नहीं है ना, ये देखो अंग्रेजी में तो सही लिखा है, ये जो नाम दे रखो बच्चों पेपर वाले ने जो नाम दिया है ना, डाई, डाई नहीं है, ये डाई नदी है। ठीक है, नसराबाद से निकलती है और जहां मैंने पढ़ाई वढ़ाई वगैरह की है, नसराबाद गया गया अजमेर है, तो वहीं से नसराबाद से निकलती, छावनी भी आप जानते ही हैं, तो डाई नदी है इसका नाम। और इसी तरह ये वात्रक नहीं है, ये वेत्रक है, ठीक है, वेत्रक है, साबरमती की सहायक नदी है, डूंगरपुर उदयपुर में बहती है। तो यहां पर सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो ये वेत्रक नहीं है, ठीक है, वेत्रक सही सुमेलित नहीं है। ये जो है सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, सी इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान दे लीजिए आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका नाम वेत्रक है, वेत्रक, हतमती, मेशरवा, ये जो है साबरमती की सहायक नदियां हैं। पर्वन का कल भी क्वेश्चन आ गया था, पर्वन का क्वेश्चन जो है कल भी आ गया था प्यारे विद्यार्थियों, पर्वन लिफ्ट नहर के बारे में पूछा था कल, भाई से जयपुर में बताया गया था, जयपुर में बताया गया था। चलिए, निम्नांकित में से किन्हें पर्वन वृहद योजनाओं में सिंचाई सुविधा मिलेगी, निम्नांकित में किसे पर्वन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आप सब जानते हैं झालावाड़ को मिलेगी, बाराकोटा को, तो इसका पहला ही सही है, पहला ही सही है प्यारे विद्यार्थियों, झालावाड़, बारा और कोटा को जो है यहां पर जो है सिंचाई सुविधा मिलेगी, बूंदी को नहीं मिलेगी यहां पर। ठीक है, इसमें फिर बूंदी आ गया, इसमें फिर प्रतापगढ़ आ गया, तो ये झालावाड़, बारा और कोटा के 637 गांवों को जो है सिंचाई सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए शाबाश, आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो है कब लगाया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों 1967 में, 1967 में अस्पष्ट बहुमत के कारण जो है राजस्थान में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, मंजुला दामोर, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, रंगीला राजस्थान, शाबाश रंगीला राजस्थान। तो विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में 1967 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए अब देख लीजिए, जनगणना, जनगणना के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और लिंगानुपात का कल क्वेश्चन आया था जिसमें आंसर टोंक था, ठीक है, आज इसमें सबसे कम पूछ लिया गया है कि 2011 के अनुसार राजस्थान में, 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों जो अपने कुल लिंगानुपात में दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाता है धौलपुर, तो धौलपुर का ही जो है प्यारे विद्यार्थियों सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है, धौलपुर जिले का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम धौलपुर का है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण, तो बाल मुकुंद बिस्सा ही होगा इसमें, तो जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई, तो भवरलाल शर्मा, आनंदराज सुराणा, बाल मुकुंद बिस्सा और रणछोड़दास गट्टानी। तो अपन सभी जानते हैं जोधपुर, बाल मुकुंद बिस्सा खूब फेमस है, ये तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं। जी रश्मि, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, योजना आयोग को दिए गए, योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, योजना आयोग को, तो ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है भाई, किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है, किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है, नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है ना जो आ गया आपका, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आ गया आपका नीति आयोग।
इंस्टीट्यूशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2015 में घटना घटित हुई थी। 2015 में योजना आयोग, जो कि 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था, जिसे 2015 में नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया? 1916 में 1916 के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया? ऑप्शन में देखिए, जीके गोखले, बीजी तिलक, सुंदरनाथ बनर्जी और एनी बेसेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपके ये जो समझौता करवाया है, प्यारे विद्यार्थियों सबको पता है, बीजी तिलक के द्वारा यह समझौता करवाया गया है। बीजी तिलक के द्वारा यह समझौता करवाया गया है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई है? राजस्थान में राजस्व मंडल की जो स्थापना है प्यारे विद्यार्थियों, 1955 या 1951, 1947 या 1949। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना राजस्थान एकीकरण के दौरान ही हो गई थी 1949 में। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दें कि राजस्व मंडल की स्थापना एकीकरण के दौरान ही हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, अकेशिया कटेचू। अकेशिया कटेचू नाम सुना होगा आपने, कथोड़ी जनजाति। इस वृक्ष से कथोड़ी जनजाति इस वृक्ष से हांडी प्रणाली के द्वारा कत्था तैयार करती है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर अकेशिया कटेचू कौन सा है बताओ जल्दी से। ठीक है, अकेशिया कटेचू खेर के पौधे से। खेर के पौधे में दीमक नहीं लगती है प्यारे विद्यार्थियों, खेर के पौधे, खेर की जो लकड़ी होती है उसमें दीमक नहीं लगती है। तो इसकी जो इसका जो तना होता है ना, तो तने से जो तेल निकालने के लिए जो मोटी लकड़ी होती है लाठ, वो बनाई जाती है। इसकी छाल से कत्था बनाया जाता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया पौधा होता है अकेशिया कटेचू, इसका नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, जनसंख्या से फिर एक और क्वेश्चन आ रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011, 2023 चल रहा है तो 2021 की नहीं हुई तो भी पीछा तो छोड़ दो इसका। चलिए कोई बात नहीं, 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? अब ये कोई बताने की बात है क्या? तब केरल, 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 हरियाणा, 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 सर्वाधिक केरल का और सबसे कम हरियाणा का। ठीक है, चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तो बहुत ही इजी हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020-22 पर नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, बतुल बेगम, वसुंधरा राजे, ममता चौहान, उषा शर्मा। ठीक है, जल्दी बताइए प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 12, बतुल बेगम, बतुल बेगम, बतुल बेगम को इससे जो है उससे सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा। जल्दी बताइए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर के द्वारा जो है प्यारे विद्यार्थियों ये जो है आपके सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, रातानाडा हवाई सेवाएं अपने किसको देते हैं? तो रातानाडा जो कि आपकी सिविल एविएशन भी है और आर्मी का भी है, ठीक है, वायुसेना का भी और सिविल का भी है, जोधपुर में है तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जोधपुर को देता है सेवाएं। ये पूछ लेता कि ये कहां पर है तो जोधपुर में ही है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी उस क्षेत्र के लोगों के लिए तो आसान हो जाएगा, साहब हमारे तो बगल में ही है, क्या हवाई जहाज रातानाडा से उड़कर जाता तो हमारी छत से भी देखते हैं। जोधपुर के लोगों के लिए तो ये आसान हो जाता है। चलिए अब अगर अपन बात करें, अगला प्रश्न, तानना और मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तानना और मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो प्यारे विद्यार्थी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिरोही की जो जनजाति है, ठीक है ना, सिरोही की जो जनजाति है गराशिया, ठीक है, उसके अंदर ये विवाह के दो प्रकार जो है प्रचलित है। चलिए, पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन, एक साथिन का जो चयन है महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है?
पंचायत समिति स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या जिला परिषद स्तर पर। तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो साथीन होती है ये ग्राम स्तर पर होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर ये जो साथीन होती है ये ग्राम पंचायत स्तर पर होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, बालाथल। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, कालीबंगा तो किया नहीं, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, बालाथल इतना बड़ा नहीं है। देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कालीबंगा को तो किया नहीं है, कालीबंगा किया होता तो राजस्थान की बहुत बड़ी खबर हो जाती, ठीक है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, बालाथल तो छोटा सा स्थल है, ठीक है, और धोलावीरा बसता है तो धोलावीरा गुजरात में है, जो बड़ा स्थल है कालीबंगा के सभ्यता के, जो बंदरगाह थे लोथल धोलावीरा उसमें इसका नाम आता है, ठीक है। तो इसका उत्तर धोलावीरा हो गया। चलिए ये वीडियो में भी आया था क्वेश्चन। चलिए मलाजखंड, कल मैं बोल ही रहा था कि मलाजखंड मध्य प्रदेश का, मलाजखंड जो है मध्य प्रदेश का, वैसे मलाजखंड के अंदर बॉक्साइट भी निकलता है, तांबा भी निकलता है। यहां पर आप देखो लोहा ऐश के हीरा, तांबा, लिग्नाइट, ये तीन चीजें एक साथ यहां पूछ ली गई है। तो अब तो तांबा ही बच रहा है, बॉक्साइट तो है नहीं, ठीक है ना। मलाजखंड यानी बालाघाट, ठीक है, कल ही बात आई थी, कल मैंगनीज वाला क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है। मलाजखंड में अपन चले तो बालाघाट से अगर छिंदवाड़ा की तरफ चले, छिंदवाड़ा झाबुआ की तरफ चले तो आपका क्या निकलेगा, मैंगनीज। बालाघाट से मंडला की तरफ चले तो फिर आपका तांबा निकलेगा, ठीक है, शेडोल। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल बहुत ज्यादा बरसात होती है, वृष्टि प्रदेश में आता है, ठीक है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल केरल से जो मानसूनी पवने, अरब सागर से जो मानसूनी पवने आती है, अरब सागर से जो मानसूनी पवने आती है तो उनका जो सम्मुख भाग है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल अरब सागरीय मानसूनी पवनों का सम्मुख भाग है, वृष्टि प्रदेश है, जम के बारिश होती है केरल में, अपन देख रहे लगातार बाढ़े भी आ रही पिछले 2-3 वर्षों से, कोची के अंदर 250-400 सेंटीमीटर बरसातें हो रही है। चलिए तो यहां पर अपन देख सकते हैं इतनी बरसात में क्या बचेगा, उष्णकटिबंधीय वन बचेंगे, और वो भी कौन से, एवरग्रीन सदाहरित वन यहां मिलेंगे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहां पर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, जीएसटी वाला क्वेश्चन आया है, जीएसटी के अंदर क्या सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो, ठीक है, अब इसमें ये दो में ही रह जाता मामला, ठीक है भाई, इसमें 16 अंक अक्षरों का कोड है, 15 अंक अक्षरों का कोड है, अब ये दो तो खत्म हो गए, थोड़ा ही कॉमन सेंस लगाए, अब ये दो तो वैसे सही हो गए, क्या सही नहीं है, ठीक है, या तो ये सही नहीं है या ये सही नहीं है, दो ऑप्शन तो 50-50 पहले ही कर दिया प्रश्न बनाने वाले ने ही, ठीक है, प्रश्न बनाने वाले ने 50-50 तो पहले कर दिया भाई, यहां पर या तो ये सही नहीं है लाइन, या तो यहां पर ये लाइन सही नहीं है, ठीक है, या फिर ये लाइन सही नहीं है, ठीक है बच्चों, ये दो तो सही हो गई, ठीक है। तो यहां पर ये देखो, ये 16 अक्षरों का कोड नहीं, ये 15 अक्षरों का है, ये दो तो सही है ऑलरेडी, इन दोनों के बीच मुकाबला बचा है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, इसका फर्क है, इसका फर्क क्यों, ये सही हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो गया तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो प्यारे विद्यार्थी, सलाल बांध, ठीक है, एक ही नदी पर तीन परियोजना है, सलाल बांध, बगलियार बांध, दुलस्ती बांध, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब नदी पर सलाल बांध, बगलियार बांध, दुलस्ती बांध, ठीक है। सलाल परियोजना से राजस्थान को भी थोड़ी बहुत जो है बिजली मिलती है, ठीक है, सलाल बांध, बगलियार बांध, दुलस्ती बांध, ये सब रन ऑफ रिवर डैम है, रन ऑफ रिवर डैम है, यानी हम यहां पर जो पानी है उसकी गतिज ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं। एक्चुअल में जो सिंधु जल समझौता है, ठीक है, उसमें जो पश्चिमी नदियां हैं, जो शुरू की जो नदियां हैं, ठीक है, सिंधु हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई, रावी हो गई, ठीक है ना, सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका पानी हम काम में नहीं ले सकते, रावी व्यास सतलज का पानी अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब अपन ने बांध बना दिए, पाकिस्तान को आपत्ति होती है, पाकिस्तान हर बार इस मुद्दे को कहां ले जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाता है, वहां से हर बार पक्ष में अपने निर्णय आता है,
अपने पक्ष में निर्णय आता है भारत के, भाई ये केवल बिजली बना रहे हैं, पानी की जो गतिज ऊर्जा है उसका उपयोग बिजली बनाने में कर रहे हैं, ठीक है, यहां सिंचाई नहीं की जाती है, ये रन ऑफ रिवर डैम है, सलाल बांध, बगलियार बांध और दुलस्ती बांध, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर तो पता चल जाना चाहिए आपको, कौन सी नदी हो गई, चेनाब नदी हो गई। चलिए, अब अगर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख केंद्र है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सोया प्रदेश, सोया राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सोया प्रदेश, हाड़ौती, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती क्षेत्र की जलवायु, हाड़ौती क्षेत्र की माटी जो काली माटी है, स्थानीय काली माटी, लावा चट्टानों के अपक्षय से निर्मित काली माटी, हाड़ौती क्षेत्र की काली माटी, वहां पर जल की उपलब्धता, सिंचाई की सुविधाएं, वहां की आद्र, ठीक है ना, जलवायु, ये सारी जो सुविधाएं हैं सोयाबीन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, हाड़ौती प्रदेश। अब अगर देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय खाद्य मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, तो प्यारे विद्यार्थियों पहले ये खाद्य जो मिशन था वो केवल अनाज के लिए था, चावल और गेहूं के लिए था, ठीक है, अब इसमें प्रोटीन की, प्रोटीन का जो स्रोत है दालें, उनको भी जोड़ दिया गया है, ठीक है, तो चावल, गेहूं और दालें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 24, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, निम्नलिखित में से लॉर्ड कर्जन से तो क्या संबंधित है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लॉर्ड कर्जन तो बंगाल विभाजन का ही था इसका, तो ठीक है, भारत सरकार अधिनियम तो मार्ले मिंटो नाम पढ़ते आए हैं, 1920, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1892, ठीक है, तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा या उसके काल में हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका पहला उत्तर सही हो गया है, ठीक है, बंग विभाजन जो है हार्डिंग के समय वापस लिया गया था, और हार्डिंग का क्वेश्चन कल आ चुका था। लोक कला मंदिर कहां पर है, तो लोक कला मंदिर प्यारे विद्यार्थियों देखिए ऑप्शन देखो आप लोक कला मंदिर अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, लोक कला मंदिर जो है प्यारे विद्यार्थियों कल भी क्वेश्चन आ गया था, लोक कला मंडल, राज लोक कला मंदिर, दोनों कहां, उदयपुर, ठीक है। चलिए, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में से राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित नहीं हुआ था, तो आपको याद है तो सुभाष चंद्र को बीजेपी के द्वारा पुश किया गया था लेकिन ये नहीं जीत पाया, सुभाष चंद्र जी मीडिया का जो व्यक्ति है, ठीक है, जी मीडिया का जो प्रमुख है प्यारे विद्यार्थियों, मालिक कह लो अपनी तरफ से, तो सुभाष चंद्रा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री राज्य नीर योजना कब प्रारंभ की गई, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजस्थान नीर योजना 2019, 2015, 2020, 2021, तो प्यारे विद्यार्थियों ये 2020 में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री राज नीर योजना। चलिए अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, तो देख लो प्यारे विद्यार्थियों, 66 लाख 36 लाख 34 लाख जो भी है, तो जयपुर 66 लाख, जोधपुर 36 लाख, थोड़ा सा कम 36 लाख के आसपास ही है, नागौर 34 लाख, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं और इनका अवरोही यानी घटनाक्रम ये है। चलिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा 2025, करण जीके में खेलों में मेजबानी के क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हैं, 2025 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स की मेजबानी कौन करे, कौन सा शहर करेगा, टोक्यो, ठीक है, जापान की राजधानी, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, संघाई चीन का सबसे बड़ा शहर आबादी के हिसाब से, ठीक है, और फिर उसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आप सब जानते हैं जापान की राजधानी टोक्यो ये जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो है वो करेगी, होस्टिंग करेगी। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन, राजस्थान हाईकोर्ट तो आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में ही आ गया था, उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा किया गया था, ये तगड़ा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जोरदार क्वेश्चन है, तो ये 29 अगस्त 1949, ठीक है, के द्वारा किया गया था। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी, पहली
जो है शेड्यूल ट्राइब्स चाइल्ड हॉकी एकेडमी कहां पर स्थापित की गई है, तो आप सभी जानते हैं कि भिलवाड़ा में तो नहीं की गई है, कोटा में भी नहीं की गई है, बचा उदयपुर और डूंगरपुर ए और डी के बीच में। तो आपको जानते हैं डूंगरपुर में तो नहीं की गई होगी, उदयपुर ही बच रहा है, उदयपुर में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन से एक नेता थे? तो भरतपुर में चले अपन, तो ज्यादा यहां सोचने की जरूरत नहीं, किशनलाल जोशी जो है भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कनपटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? ये जीण माता के गीत गाते हैं, सबसे लंबे लंबे गीत होते हैं जीण माता के। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सभी जानते हैं जीण माता चौहानों की कुलदेवी, लंबे गीत होते हैं इसके। ठीक है बच्चों, जीण माता रेवासा सीकर सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। अब अपन बात करते हैं कौन सा लोक नाट्य संस्थान सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन देखें तो नौटंकी भरतपुर धौलपुर सम्मिलित है, सही है, रम्मत बीकानेर जैसलमेर सही है, तुर्रा कलंगी, कल भी तुर्रा कलंगी का क्वेश्चन आ गया था, चेतराम वगैरह के बारे में पूछ लिया था, तुर्रा कलंगी कलाकार, आज फिर तुर्रा कलंगी का क्वेश्चन आ गया था, चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या, ये सम्मिलित नहीं है, चित्तौड़गढ़ लिखा होता तो ये सही सम्मिलित हो जाता, चित्तौड़गढ़ अगर लिखा होता तो इसे सम्मिलित हो जाता। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, फिर से क्वेश्चन आया है किसका, आभूषणों का, ओगण्या अंगूठिया सुराल्या आभूषण पहने जाते हैं, ओगण्या तो कान में पहनते हैं, कोई ज्यादा माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है, आगे के याद होनी हो ये एक से काम चल जाएगा, यहाँ पर ये कानों के आभूषण है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ के आभूषण है, ये कानों के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 36, पहली एक्सेलेंट डबल डेकर एयर कंडीशनर ट्रेन, ठीक है ना, पहली एक्सेलेंट या उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री ट्रेन किसके बीच में चलती है, किसके बीच में चलती है प्यारे विद्यार्थियों? तो सब कुछ जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ये चलती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से राजस्थान, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है कोयम्बटूर के बीच में, बेंगलुरु से तमिलनाडु में कोयम्बटूर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा कारखाने हैं लेकिन छोटे कारखाने हैं। चलिए, तो बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच में बाडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो हूण आक्रमणकारी, ठीक है, हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने कराया है बाडोली के जो शिव मंदिर का जो निर्माण है, हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने कराया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिहिर कुल को जो ये हेन सांग है ये क्या कहता है, ठीक है ना, बौद्धों का शत्रु कहता है, जबकि एक मिहिर भोज है, मिहिर भोज को जो है सुलेमान क्या कहता है, इस्लाम का शत्रु कहता है। ठीक है, एक तो मिहिर भोज प्रतिहार है, उसको सुलेमान जो आते 850 में राजस्थान भारत आया था, राजस्थान क्या, तो वो क्या बोलता है, इस्लाम का शत्रु, अरबों का शत्रु, और मिहिर कुल को जो है हेन सांग क्या बोलता है, बौद्ध धर्म का शत्रु। तो मिहिर कुल ने बहुत सारे बौद्ध मठों को शायद क्षतिग्रस्त किया होगा उसके हिसाब से, तो मिहिर कुल ने कोटा के शिव मंदिर का निर्माण कराया, हूण है ये। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इलाना देनी आपनी हालरिया हुलराय पुत सिखाओ पाल ने मरण बढ़ाई माय, उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से लिखी? तो प्यारे विद्यार्थियों, सूर्यमल मिश्रण के ये वीर सत्साई से ली गई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नाम से ही पता चल रहा वीर, कोमन अगर थोड़ा अपन लगाए कि ये लाइनें किसके लिए है, इलोने देनी आपनी हालरिया हुलराय पुत सिखाओ पाल ने मरण बढ़ाई माय। ठीक है, तो ये वीरगति को प्राप्त करने के बाद माँ को जो बढ़ाई मिलती है उसके बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर वीर शब्द किस में आ रहा है, वीर सत्साई में आ रहा है। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि का सूर्यमल मिश्रण को दर्जा दिया गया है, बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि है सूर्यमल मिश्रण। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है, ये देखना अभी आपको क्या बताएं इस पेपर बनाने वाले की, अब तो मैं बोल ही देता हूँ, थोड़ा सा बुरा सा लग सकता है पेपर बनाने वाले संस्थान को, अभी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मूर्खता की हद हो गई है। ठीक है ना, मूर्खता है यहाँ पर, मूर्खता। ठीक है, चलिए, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस के अंदर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जो रामस्थल अगर 75 से पहले पूछ ले तो अपने यूपी बता देते,
ठीक है, लेकिन अब जब 75 हो गए हैं तो शायद 14-16 जो है तमिलनाडु में, पहले विद्यार्थी हूं, सर्वाधिक जो राम स्तर है 14 है तमिलनाडु में, किसमें है तमिलनाडु में, ठीक है, जब 49 थे जब सर्वाधिक थे यूपी में, लेकिन अब बढ़ रहे हैं रामसर स्थल, खूब फंड आ रहा है रामसर संधि से, चलो जो भी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचता सरल कमल, जो राजीव गांधी था पहले इसका नाम, को देने की घोषणा की गई, इनका संबंध, ठीक है, शरद कमल को देने की घोषणा की, इनका संबंध किस खेल से है, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, शतरंज और बैडमिंटन। यानी देखो प्यारे विद्यार्थियों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो इतना है कि हाँ लगा भाई यहाँ पर थोड़ा उन्होंने दिमाग लगाया है, ठीक है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है ये महाशय जो है टेबल टेनिस से संबंध है, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, खेलों के मामले में ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। मानव गरीबी सूचकांक वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है, ठीक है, तो देखो दीर्घायु, अगर आपको पोषण नहीं मिलेगा तो दीर्घायु नहीं मिलेगी, ठीक है, ज्ञान, अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर आपकी ज्ञान नहीं होगा और दोनों ही नहीं होगे तो जीवन स्तर, ठीक है, तीनों को मापता है ये, ठीक है, ये तीनों को मापता है, क्योंकि पोषण और दीर्घायु तो आपस में कोरिलेटेड हो गए, पोषण और दीर्घायु तो कोरिलेटेड हो गए, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। अब स्वच्छता, ठीक है, जीवन स्तर और स्वच्छता दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है, बुनियादी जरूरतें और जीवन स्तर दोनों एक ही बात हो गई, जो तीन डिफरेंट चीज है, यानी कॉमन सेंस, मतलब पूरा पेपर कॉमन सेंस पर है, तो कुछ क्वेश्चन तो इतने बढ़िया लगते हैं कि पूछो मत, बहुत दिमागदार व्यक्ति ने बनाया है, और कुछ क्वेश्चनों में तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ फुलिशनेस हो गई है। दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है, पहले पे लूणी और दूसरे पर बनास है। अगर कैचमेंट एरिया पूछ लेता, यहां पर पूछा है प्यारे विद्यार्थियों अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, ठीक है, तो यहां पर अगर पहले पे लूणी और दूसरे पे बनास है, अगर यही पूछ लेता आपके जो है कैचमेंट एरिया जलग्रहण क्षेत्र, तो उसमें उल्टा हो जाता, उसमें बनास टॉप पर चली जाती, ठीक है, लेकिन अभी एक एग्जाम में माही को सही माना गया है एग्जाम में, लेकिन फिर भी जो ऑथेंटिक जो है वो आपके बनास बेसिन ही है, ठीक है बच्चों, दूसरे स्थान पर बनास बेसिन है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से किसका जो संबंध है मांड, उसमें नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, मांड गायन में नहीं है, ठीक है, मांड गायन में किसका संबंध नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, तो जैसा कि अपन जानते हैं गौरीबाई पधारो मारा देश, ठीक है ना, केसरिया बालम आवनी मारा देश, सबसे पहले किसने गया था, दूध मांगी बाई ने गया था, तो गौरीबाई भी ये गाती है, ठीक है, केसरिया बालम पधारो मारा देश को सबसे ज्यादा पॉपुलर किसने बनाया, बीकानेर के अल्लाह जिला भाई ने बनाया है, ठीक है, बन्नो बेगम भी मांड गायकी करती है। अब बच्चे गुलाबो को संबंध अपन सब जानते हैं कालबेलिया नृत्य से है, जिसे यूनेस्को ने अमूर्त विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, राजस्थान का अमूर्त एक ऐसा टॉपिक है, मुद्दा है, प्रकरण है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ग्लोबो जिसने राजस्थान का विश्व स्तर में नाम रोशन किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, इस प्रश्न का गुलाबो। चलिए अगला प्रश्न अपन पढ़ते हैं, निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, राजस्थान के सभी मंत्री, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सारे के सारे मंत्री कैबिनेट मंत्री हो के, ठीक है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, तो राजस्थान देखो 15% होता है, कितना होता है 15%, तो राजस्थान में 200 एमएलए का 15% 30 हो गया, ठीक है, कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, बिल्कुल सही है, राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उपमंत्री नहीं है, तो ये भी सही है प्यारे विद्यार्थियों, तो पहला ही गलत है यहाँ पर, जो पहला ही जो टॉपिक है वो गलत है कि सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एक बात आपने देख ली कि प्यारे विद्यार्थियों के अपन नॉर्मली क्या देखते हैं, सभी टीचर ये पढ़ाते हैं कि अधिकतम 15%, ठीक है, जो कुल सदस्य संख्या है असेंबली की या लोकसभा की या राज्यसभा की, तो उसका अधिकतम कितना प्रतिशत जो है हो सकते हैं, तो अगर अपन बात कर ले यहां पर तो अधिकतम 15% हो सकते हैं, ठीक है,
अब राजस्थान में न्यूनतम कितने हो सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि मिनिमम लिस्ट जो है मिनिस्टर कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 10+1 यानी 11। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया है ये 10+1 10+1 होता है ना। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? बताओ प्यारे विद्यार्थियों, राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, या फिर प्लानिंग कमीशन जो कि अब है ही नहीं अब, ठीक है, अब इसी जगह नीति आयोग है, क्वेश्चन भी आ चुका है, आरबीआई के द्वारा या फिर सेबी के द्वारा। बहुत बढ़िया और बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम सभी जानते हैं कि जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, वो राजकोषीय नीति, अगर मौद्रिक नीति होता तो आरबीआई हो जाता, मौद्रिक नीति होता तो क्या हो जाता, आरबीआई। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, राजकोषीय नीति, तो वित्त मंत्रालय। 2011-12 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का कीमतों पर, कल एग्रीकल्चर का पूछ लिया था, उद्योगों का पूछ लिया है कितना है, तो यहां पर आप देखो उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर पूछा है, ठीक है ना, स्थिर कीमतों पर। अगर ये प्रचलित पर पूछता तो देखो क्वेश्चन बदल जाता, तो स्थिर कीमतों पर यहां पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, स्थिर कीमतों पर। अगर ये प्रचलित पर पूछ लेते उधर आंसर चला जाता, बी पहुंच जाता, लेकिन इन्होंने स्थिर कीमतों पर पूछा है स्थिर, तो ये एफ सी पर ये होगा उत्तर। ठीक है बच्चों, 26.34%। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा है? बताओ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन में है लोचन, हृदय नारायण, देव पुंडरीक विठल और भाव भट्ट। तो ये क्रमकांड भाव भट्ट साहब के ही है, अनुपोध है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अनुपो सागर, अनूप सागर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो रिफाइनरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, कल भी एक क्वेश्चन आ गया था रिफाइनरी का, मतलब लगभग चारों पेपर में रिफाइनरी के क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को जो देख रहे हैं ध्यान से सुनते जाएं, आगामी एग्जामों के लिए ये एक अब तक ये जो चार पेपर है बेस का काम कर रहे हैं कि एग्जामिनर ने अपनी अप्रोच जो है कितनी शानदार रखी है, टॉपिक जो लगभग हर क्षेत्र से लिए हैं। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उपक्रम है? ठीक है, तो ये जो पचपदरा रिफाइनरी है उसके बात चल रही है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो राजस्थान सरकार का जो है इसमें 74-26 का है। ठीक है, राजस्थान सरकार 26 और ये जो HPCL है, ठीक है, इसका 74। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासती राज्य से सम्मिलित नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मीठालाल व्यास, जैसलमेर, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, कोटा, किशनलाल जोशी भरतपुर, किशनलाल जोशी भरतपुर। अभी देखो क्वेश्चन को देखो, अगर पेपर को ध्यान से पढ़े तो यही उत्तर मिल जाएगा। पहले पूछा जा चुका इसी पेपर में किशनलाल जोशी कहां के हैं, क्या? ठीक है, तो भरतपुर, पंडित हरि नारायण शर्मा अलवर। तो सभी जानते हैं कि ठीक है भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी जो है वो कोटा संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। चलिए सुमेलित कीजिए लोक देवता। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर देखेंगे गोगा जी, ठीक है, पाबू जी अब और हड़बू जी, फत्ता जी, गोगा जी, पाबू जी, पड़बू जी, हत्ता जी। तो यहां पर अपन देख लेते, सीधा उत्तर बता देता हूं, एक में दो। तो ठीक है साहब, गोगा जी ददरेवा सब जानते हैं, ठीक है, दो में तीन, पापू जी कोलू, ये कोलू है, कोहू नहीं है ना, ठीक है, तीन में चार, हड़बू जी भुंडेल है, ये भुंडोल नहीं है, भुंडेल, ठीक है, और पुत्ता जी ये साथू, ये तो सही है ना, ये कोलू और ये भुंडेल है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बेली किशन रुक्मणी ने रचयिता किस शासक? तो पृथ्वीराज जो था अकबर के दरबार में था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, पृथ्वीराज जो था किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में था। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखिए, नीचे दिए गए कथन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही बढ़िया कथन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए, मैंने भी पढ़ा तो नहीं, उससे पहले ही बड़ा ही हांक दी। चलिए देखते हैं, द
दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है कि दादाभाई नौरोजी थे ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहां पर सांसद थे, ठीक है, वहां पर सांसद थे दादाभाई नौरोजी, तो वो वास्तव में वहां के जनता को प्रभावित करना चाहते थे। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। यानी जो कथन है, ठीक है, कथन, ये जो कथन है, ये जो कारण इस कथन की व्याख्या करता है, तो देखो है क्या ऑप्शन में, दोनों ए और सत्य है, लेकिन आर और ए की व्याख्या यहां पर नहीं लिख दिया है, ठीक है। बच्चे क्या जल्दबाजी कर जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये इसमें आता है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा दिया कुछ ज्यादा ही। ए और आर सत्य है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब ये देखो, अगर किसी को ये क्वेश्चन भी आता होगा ना, तो बच्चा अगर जल्दबाजी करेगा तो इसको सही लगा देगा, जैसा कि मैं भी करने वाला था लेकिन मुझे नहीं दिख गया, ठीक है। ये है, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या है बच्चों, दोनों सही है, ये सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोपेन के देखो जलवायु वर्गीकरण डेली आ रहा है, जलवायु वर्गीकरण जो है डेली आ रहा है बच्चों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलो ये तो छोटा ही क्वेश्चन है, बड़ा कर देते हैं इसको। तो कोपेन के, हाँ जी, रंगीला राजस्थान, किस्मत कुमारी रंगीला राजस्थान। मिशन की क्लासों से लगातार जुड़े रहे, मिशन की मोबाइल एप्लीकेशनों को डाउनलोड करके रखे, जैसा कि आपने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। अब नए वर्ष में आपके लिए बहुत सारे कोर्स जो है मिशन लॉन्च करने वाला है, ठीक है, ये आप ध्यान दें। AW, CWG, BW, SW क्या पूछा है क्वेश्चन तो पढ़ लें। डूंगरपुर बांसवाड़ा बत ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, AW पर ही खत्म हो जाता है मामला, AW पर ही मामला खत्म हो जाता है, ठीक है। CWG तो पूर्वी राजस्थान चला गया, BSH, BWH मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। कौन सा खनिज क्षेत्र सुमेलित नहीं है, डोलोमाइट बाजला काबरा सही है, सीसा जस्ता रामपुर आगुचा सही है, फ्लोराइट मांडो की पाल सही है, रॉक फास्फेट बरोडिया यही गलत है बच्चों। रॉक फास्फेट तो आप जानते ही हैं, बिरमानिया, ठीक है ना, झामर कोठड़ा और बिरमानिया। चलिए प्यारे विद्यार्थियों तो ये सही सुमेलित नहीं है। वेंदाथल पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो यहां भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कल त्रिपुरा का पूछ लिया, आज तमिलनाडु का पूछ लिया। वेंदाथल जो है प्यारे विद्यार्थियों पक्षी अभ्यारण्य जो है आपके कहां नहीं है, कहां पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, रंगीला राजस्थान, गीता मीणा, नौरंग लाल, किस्मत कुमारी, शाबाश, लाइक शेयर करते रहा करें, समझदार है प्यारे विद्यार्थी सारे के सारे। कौन सा पशु मेला, कल भी पशु मेले का क्वेश्चन आया था, आज फिर आया है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कौन सा पशु मेला, गुगा मेडी पशु मेला, हनुमानगढ़ शिवरात्रि पशु मेला, सवाई माधोपुर चंद्रभागा पत्ते को, गुगा मेडी का तो हनुमानगढ़ है, बात ही खत्म होगी, ठीक है, ये तो सही है। चंद्रभागा कल जालरापाटन था, जिले का नाम लिख दिया। रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला नागौर में भी भरता है प्यारे विद्यार्थियों। शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि मेला होता तो सवाई माधोपुर सही हो जाता, लेकिन शिवरात्रि पशु मेला कर दिया जो कि करौली में है, तो ये यहां पर गलत है, ठीक है, तो ये हो गया, कहिए बी उत्तर हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया, प्रतापगढ़, जोधपुर, सीकर, जयपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों जो पीएम वाणी योजना है इसका जो शुभारंभ प्रतापगढ़ में किया गया है, ठीक है। चलिए रिफाइनरी का एक और क्वेश्चन आ गया बच्चों, कल जैतून पूछ ली थी, आज ऑयल रिफाइनरी पूछ रहे हैं कि ऑयल रिफाइनरी कहां पर लगाई जाएगी, सॉरी, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जालोर। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑयल रिफाइनरी सब जानते हैं, क्वेश्चन आया था बचपदरा, तो बाड़मेर में लगाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, चलिए देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन देखते हैं कि रामसे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था। चलो पढ़ते हैं, पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग, बिल्कुल जिला कलेक्टर का जो पद है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 233 बिल्कुल जिला कलेक्टर पर ही है, रजनी कोठारी। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है मैकडोनाल्ड का नहीं है, रजनी कोठारी है ना, ये ध्यान दे, रजनी कोठारी का है स्टेटमेंट। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार, अब देखो मैंने कहा था नहीं, मूर्खतापूर्ण तथ्य हो गया, वहां 75 लिख दिया और यहां पर ये, ठीक है। अब क्या कहें इसको, ज्ञानी कहें भाई, पेपर को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा हो ना, या बोर्ड का एग्जाम चल रहा हो, या कोई अकेडमिक एग्जाम चल रहा हो, वैसे मजे ले रहे हैं पेपर के। क्या ले रहे हैं? मजे ले रहे हैं। 75 लिख दिया और इधर 75 लिख दिया। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, या तो ये प्रश्न गलत है या फिर वो प्रश्न गलत है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 243 आर नगर पालिकाओं की संरचनाओं का उल्लेख, बिल्कुल 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। 243, चलो बाद में बात करते हैं। 243 एस वार्ड समितियों का गठन, बिल्कुल ये सही है। 243 जेड ई महानगर योजना समिति का गठन, बिल्कुल ये भी सही है। जेड सीमित जो 243 जेड सी है, उसमें ये कहा गया है कि जो 244 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए गए हैं वहां पर ये प्रावधान नहीं लगेंगे, ये कहा गया है। और जिला योजना जो समिति का गठन है वो 243 जेड डी में है। ठीक है, ये जेड डी में है प्यारे विद्यार्थियों, और जेड सी में तो मनाई की गई, जो 244 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में जो उल्लेखित है वहां पर ये प्रावधान नहीं लगेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? उत्तर तो लगाया नहीं मैंने, उत्तर आपके इस प्रश्न का ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। कर लेते भाई, विचार कर लेते हैं, तुम विचार ही करवाओ, विचार करवाते रहो, अच्छी बात है, सोचना चाहिए इंसान को। चलिए तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सार्वजनिक ऋण, रंगीला राजस्थान, क्या हो गया बेटा? 61 में तो बी है। चलिए कोई बात नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर, निम्न में से कौन सा जो है मौद्रिक नीति के घटक है? अभी अपन पढ़ के आए थे, वहां राजकोषीय नीति पूछी, और यहां पर जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछ ली? मौद्रिक नीति पूछ ली। तो देखो, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व ये राजकोषीय नीति के घटक है, और खुले बाजार और बैंक दर, ठीक है, ये मौद्रिक नीति के 3 और 4, तो ये दोनों सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया है। ठीक है, चलिए, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम, महासतियों का टीला, अमर सिंह की छतरी, महासतिया। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप ने चामंड को अपनी राजधानी कब बनाया? तो ये क्वेश्चन लगातार एग्जामों की चर्चा का विषय बना हुआ है, हर बार इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। तो 1585 लूणा चावंड को हरा करके, ये कर्मकांड किया गया है। ठीक है बच्चों, 1585 में। चलिए और थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गर्म पानी है। रंगीला राजस्थान, लीलारिया, 62 का ए, क्यों बेटा? चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पीछे चल रहे हो काफी, हां जी, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी हो, यहां पर पहला ही गलत हो गया। ठीक है, अनुसूची 6 में और 10 राज्यों में लागू है। पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति के, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया की समिति के अनुशंसा पर बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार, सही है, ये भी सही है। ठीक है,
ये यहां पर 6 होता तो ये सही हो जाता और यहां 9 की जगह 10 होता तो सही हो जाता। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में है? तो थुमली गांव है क्या इसमें ऑप्शन में देखते हैं, थुमली गांव है क्या? रामसर, अजमेर, सिवाना, समदड़ी, हाँ ये रहा थुमली गांव, बाड़मेर में है बच्चों, ये थुमली गांव बाड़मेर में है। हरे राम गुजर, खम्मा घड़ी सर, भरतपुर, खम्मा घड़ी बेटा जी, खम्मा घड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा के संबंध में सही नहीं है? तो यहां पर यह विवादास्पद क्वेश्चन है, ये विवादास्पद क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में ये बताया गया है कि ये जो है आपके एलपी टेसोटोरी, इनको भी ज्ञान था, एक्चुअल भी सबसे पहले इस स्थान का ज्ञान इनको ही था। ठीक है, लेकिन खोज के बारे में लगभग सभी पुस्तकों में अमलानंद घोष के बारे में लिखा गया है, उन्होंने खोज की है, तो यहां पर इसे ही गलत माना जाएगा। अब कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं और अभी हो सकता है कोई रिसर्च रिपोर्ट आई हो पिछले कुछ 6 महीने साल भर में। ठीक है, तो ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक फेमस तो हुई नहीं जिसमें यह बताया गया हो कि हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहां पर एक तो ये भी विवाद है और कुछ साहित्यों में, कुछ ग्रंथों में ये दिया हुआ है कि एलपी टेसिटोरी को सबसे पहले इसके बारे में ज्ञान था, लेकिन अब देखो क्या सही माना जाता है। अभी तो मैं लगा रहा हूं बी, ये भी लगा रहा हूं। चलिए, भूकंप के साक्ष्य तो मिले हैं यहां पर, अग्निवेदियों के साक्ष्य भी मिले हैं, ये दोनों तो देखो कंफर्म है, शोर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों पर है दिक्कतें, या ऊटी हड्डियों के साक्ष्य जो है थोड़ा मुश्किल है और यहां पर इसको थोड़ा इसके बारे में पता था। अब देखो क्या माना जाता है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। चलिए, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है प्यारे विद्यार्थियों? तो देख लेते हैं भारत का कौन सा स्थान रहा है, आप बताइए 107, 110, 102, 109। तो प्यारे विद्यार्थी 107वां स्थान रहा है, 107वां स्थान रहा है। प्रिया शर्मा बी होगा सर, शाबाश प्रिया, ललिता, ठीक है, नीरू, राजू, किस्मत। चलिए बच्चों, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में किशोरी देवी है क्या ऑप्शन में? तो भाई किशोरी देवी है ऑप्शन में, तो फिर ज्यादा सोचने का नहीं है, किशोरी देवी। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से? दोनों भाई, ये कल एक का आ गया था, आज एक का आ गया, कल कृपाल सिंह शेखावत का आ गया था, उसके दूसरे बंधु यानी ब्लू पॉटरी से संबंधित है ये भी। ठीक है, एक ही टॉपिक के 4 क्वेश्चन बना लिए और एक उस सेट में, एक उस सेट में, एक उस सेट में, चारों के अलग अलग सेट में दे दिए सेट में। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? चीन, वियतनाम, भारत, इंडोनेशिया। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों G20 शिखर सम्मेलन भारत में ही। ठीक है, अभी जाकर आए मोदी जी, बोले कि अब की बार मेरे घर जिमड़े हो गए। माल और सेवा कर GSTN, GST का एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, GST का एक क्वेश्चन, अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। यह है गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह गैर लाभ कंपनी है। अब ये बताना के ना तो एक ना ही दो, केवल एक, दोनों एक और दो और केवल दो, क्वेश्चन नंबर 72। तो प्यारे विद्यार्थी दोनों ही बातें जो है पूरी तरह से सही है। ठीक है, दोनों ही बातें सही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने? तो सरदार बाबूजी का काम है, ये बाहर घूम कर आए थे, अंग्रेजों की सैन्य सहायता दी है, तो सरदार सिंह ने बाहर जाकर भी क्रांतियों का दमन किया है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक
संभावना है उत्पादन की, तो पहले नंबर पर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और चौथे नंबर पर राजस्थान। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, पहले नंबर पर तमिलनाडु है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर का गुंडाराज आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज आजादी के दीवाने सागरमल गोपा, सबको पता है इस घटनाक्रम का, जेलर गुमान सिंह ने किसको जिंदा जला दिया था जैसलमेर की जेल में, सागर मलगोपा को, है ना, आजादी के दीवाने जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें लिखी। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, तो प्यारे विद्यार्थियों संत चरणदास जी प्रसिद्ध नहीं है इसके नाम से, ना संत रज्जब जी प्रसिद्ध है इस नाम से, और ना ही रामचरण जी प्रसिद्ध है, तो बचे कौन, कवि दुर्लभ जी। चलिए बच्चों, तो कवि दुर्लभ जी जो है आपके राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए, मीणाओं का मूल स्थान कर्नल टाड ने किसे माना है, मीणाओं का मूल स्थान, ठीक है, तो काली घाटी पर्वतमाला, मुकुंद्रा पर्वत श्रेणी, कालीखो पर्वतमाला, अब पर्वतमाला। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, इसमें एक खतरनाक जगह अलग से देखिए कालीखो, तो यही है, ठीक है। मुकुंद्रा पर्वत श्रेणी का ज्ञान उनको था नहीं, मुकुंद्रा पर्वत श्रेणी का ज्ञान उनको उस समय था नहीं है, काली घाटी पर्वतमाला ये भी नहीं है, अब पर्वतमाला अलग से दिया गया, खाली खो पर्वतमाला, तो इसमें आंसर है डी, 77 में आंसर डी। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है, कल ही बताया था मैंने, कल ही मैंने जब किशनों की व्याख्या कर रहा था तो बताया था, कल मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है, कल ही बताया था प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ठीक है। एंटीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, है ना, जैसलमेर बीकानेर। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता, ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें गवर्नर का कोनो काम नहीं है, ठीक है बच्चों, राज्यपाल का इसमें कोई काम नहीं है, अध्यक्ष की नियुक्ति में जरूर योगदान है, नियुक्ति में योगदान है, लेकिन समिति में कोई काम नहीं है। बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था, बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, बनास नदी पर बांध है, टोंक जिले के राजमहल में ये बांध है, तो प्यारे विद्यार्थियों जब मैं 10वीं क्लास का एग्जाम दे रहा था उस साल ये पूरा हो गया था 1996 में, इस वर्ष मैंने 10वीं पास कर ली थी 1996 में, तब इस बांध का निर्माण पूरा हुआ था। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर बांध, बनास नदी पर बांध है, तीसरा बांध है बनास नदी पर, ठीक है। चलिए, बनास नदी पर इससे पहले दो बांध है, नाके क्या बोलते, बागेरी नाका बांध, नंद संबंध बांध, फिर इसके बाद में ये बनास का बिसलपुर बांध, और फिर एक और बांध है ईसरदा बांध, ठीक है बच्चों, तो ये चौथा बांध, तीसरा बांध है बिसलपुर का बांध 1996 में। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से राजपुताने के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया, और भाई ये है देखो इतिहास, एक आधा क्वेश्चन तो ऐसे लेकर आते हैं जहां इतिहासकारों की, सर जी रीट का पेपर कैसा आएगा, रीट का पेपर बिल्कुल सफेद रंग का होगा जिस पर काले रंग में लिखे होंगे, यानी इसी तरह का आएगा प्रश्न, आप तैयारी करते रहे, ये नहीं सोचे किस तरह का पेपर आएगा, आप ये सोच के चले कि कठिन से कठिन आएगा और मुझे उसे सरल से सरल बनाना है, ठीक है, पहले से ये चीजें नहीं सोचे कैसा आएगा वैसा आएगा, आप आपकी तैयारी को धार देते रहे, नहीं रुके, नहीं बैठे, ठीक है, बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, काम करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है बच्चों। चलिए, हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया है, तो प्यारे विद्यार्थियों नेचुरल वरिक वंश वगैरह जो सब पूर्वी भारत, जो उत्तरी पूर्वी भारत, आपके जो मध्य पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश वगैरह का, दिल्ली क्षेत्र वगैरह, यहाँ के शासक थे, और उनके नजदीक कौन पड़ता है, बयाना पड़ता है, ठीक है, उनके नजदीक कौन पड़ता है, बयाना पड़ता है, तो ये वरिक वंश ने यहाँ पर शासन किया है। चलिए,
निम्नांकित में से किस देश ने 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निर्यात किया? निर्यात पूछा है, ठीक है, आयात नहीं पूछा, सर्वाधिक निर्यात, भारत से सर्वाधिक निर्यात किया है किस देश ने 2021 में भारत से, या क्वेश्चन ही अजीब सा, किस देश ने, यहां पर ने लिख दिया, किस देश ने भारत से सर्वाधिक निर्यात की है? चलो निर्यात है और भारत से सर्वाधिक निर्यात, इस लाइन को ध्यान रखना है, भारत से सर्वाधिक निर्यात किस देश को हुआ है, भारत से सर्वाधिक निर्यात किस देश को हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? तो नेचुरल है, यूएसए को। किसको हुआ है? यूएसए को। चलिए प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित किससे है? उत्सव भोज योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना से, मिड डे मील योजना से, रेन बसेरा से, ठीक है, रेन बसेरा से, और सामुदायिक विवाह योजना से। तो प्यारे विद्यार्थियों मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील को ये उत्सव योजना जो भोज योजना से संबंधित किया गया है। हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखो बिल्कुल इजी प्रश्न है ये, हमीर हट चंद्रशेखर केशवदेश दलपत, चंद्रशेखर केशवदेश दलपत और जोधराज, तो ये चंद्रशेखर लिखा है हमीर हट, हमीर रासो, हमीर हट। चलिए तो आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क, आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क है, तो बिल्कुल इजी है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इजी है ये, राजू मीना ए ए ए। चलिए 85 में सबको पता है जैसलमेर है, टिक लगाए इसके, लगा देते हैं मन की शांति। चलो अगला प्रश्न अपन बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न जोरदार है क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज भी करता है कि साहब 12 जुलाई 1986, 1982, 1987, ठीक है, 78 और 1992, ठीक है, डिसलेक्स क्या हो रहा है मुझे भी दिखाई सही नहीं दे रहा है ना, 87, 78, 87 दिखाई दे रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों सब जानते हैं 12 जुलाई 1982 को ना। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। नगेंद्र कुमार जैन, कांता कुमारी भटनागर, जी के व्यास, तो सैयद सागिर अहमद, तो यही है वो आदमी, यही है वो शख्स, पहचानिए इनको, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं और मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं। चलिए निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिर तक को सही से चुनिए। ठीक है, गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, बयाना का युद्ध, मावली का युद्ध, ठीक है, जो तीन चार युद्ध है प्यारे विद्यार्थियों 88 क्वेश्चन में, तो 2, 1, 3, 4, तो पहले से आखिर तक, तो सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद में गागरोन का युद्ध, फिर बयाना का युद्ध और फिर मावली का युद्ध, ठीक है। चलिए तो ये सही है इसका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों, आभा नेहरी तथा राजौरगढ़ के, ये लगातार मिशन की क्लासों में ये क्वेश्चन कब पढ़ाया जा रहा है लगातार, किससे संबंधित है बताइए जल्दी से, गोयल सिसोदिया, चौहान, गुजर प्रतिहार और राठौड़, तो सब जानते हैं गुजर प्रतिहार से है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वृक्षों की कटाई, लंबरिंग शामिल नहीं है ना, लंबरिंग इसमें शामिल नहीं है, फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड है, फॉरेस्ट्री है और मत्स्ययन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 90। तो प्यारे विद्यार्थियों लंबरिंग को भी शामिल किया गया है ना, लंबरिंग को भी शामिल किया गया, फूड प्रोसेसिंग को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, इसे फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में शामिल किया गया है, उद्योग में शामिल किया गया है। चलिए संत हरिदास के क्वेश्चन कल भी शायद आया था, तो संप्रदाय के संस्थापक थे राम स्नेही, निरंजनी, अलखिया, निम्बार्क, बताइए प्यारे विद्यार्थियों, तो सभी जानते हैं हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के फाउंडर है, पायोनियर है।
अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष सब जानते हैं, अब कोई बड़ा नहीं है, नलियासर, सांबर, रेंड, मध्यामिका नगरी, बेराट, सब जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। बेराट से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, बौद्ध गुफाएं, ठीक है, कोलवी, झालावाड़, राजस्थान में मक्का की खेती कहां पर है, मक्का खाओना और मेवाड़ छोड़ नहीं जाओना, ठीक है, मक्का खाओना और मेवाड़ छोड़ नहीं जाओना, तो सब जानते, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी को भी लपेट लिया इस बार इन्होंने। चलो, मक्का उत्पादन में अग्रणी जिलों में नाम है बूंदी का, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी, लाल लोमी मिट्टी और मक्का जो है प्यारे विद्यार्थियों किसकी, भील जनजाति की मुख्य फसल है, मुख्य खाद्यान्न है मक्का। चलिए, प्रमुख खाद्यान्न, भारत में कॉफी उत्पादन राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, बेटा ये यहां पर अगर इंडियन एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं किया तो किसने यहां से नंबर आपको कटा देगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल कर्नाटक, कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियों में उत्पादन होता है, किसमें होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है, अरेबिका और रोबस्टा, जो रोबस्टा जो बेस्ट किस्म है उनके, उनका ही उत्पादन भारत में किया जाता है। और भारत में कॉफी का जो उत्पादन है बाबा बुदन नाम के सूफी संत ने शुरू किया था, ठीक है ना, बाबा बुदन नाम का एक संत था सूफी, उसने बाबा, फिर उसके नाम से ही कर्नाटक में मतलब ये बाबा बुदन की पहाड़ियां फेमस हो गई थी, ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी के आसपास लोहे इसका भी उत्पादन होता है। तो यहां पर देखो पहले नंबर पर कर्नाटक है, नो डाउट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है, तो दक्षिणी क्षेत्र में कहां अधिक सर्दी पड़ती है भाई, 95 ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों सही है एवं आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है, ए गलत है आर सही है, दोनों सही है किंतु आर एक ही व्याख्या नहीं करता है। ऊपर जा भाई थोड़ा सा, इधर भी इधर तो नहीं आएगा, उधर ही रहेगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है, दक्षिणी राजस्थान में कहां सर्दी पड़ती है, ठीक है, ये सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे, मार्लेमेंटो सुधार, चलो साहब 1909 का भारत परिषद अधिनियम पूछ लिया इस बार तो बहुत बढ़िया, शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि, 96 यानी 1 2 3, 1 2 3 4, केवल 3 और केवल 2। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर अपन देखें तो इसमें केवल 3 सही है, ठीक है ना, केवल 3 जो है सही है, ठीक है बच्चों, निर्वाचक मंडल 3 सही माना गया है इसमें। चलिए अगला प्रश्न, भूजल प्रबंधन के लिए हेली बॉन्ड सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ किस जिले में किया गया है, हेली बॉन्ड सर्वेक्षण तकनीक का जो प्रारंभ है किस जिले में, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, जल्दी बताइए प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में यह घटना घटित हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो है जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर में यह कांड हुआ है। अगला प्रश्न, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, एकनाथ शिंदे तो महाराष्ट्र के बनाए गए हैं, और विप्लव कुमार देव, डॉक्टर मणिक साहा, एन बीरेन्द्र सिंह, क्वेश्चन नंबर 98 तो मणिक साहा को बनाया गया है। चलिए, पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में
राजस्थान संबंधित है। वंदना कटारिया, शकुंतला चौधरी, शीश राम, चंद्र प्रकाश द्विवेदी पद्म पुरस्कार 2022 के में तो राजस्थान का कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का एक ही है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। चार जनों को मिला है इसमें, चंद्र प्रकाश द्विवेदी है इसमें, है ना, संबंधित राजस्थान का। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? खादी प्लाजा का निर्माण तो जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, तो सब जगह छोड़ दो, ये नजदीक इनके पास जयपुर ही पड़ेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए तो ये 100 प्रश्न थे जीके के, ठीक है, सेट के, सुबह वाली शिफ्ट के। अब थोड़ी ही देर में प्यारे विद्यार्थियों जो शाम वाले शिफ्ट है उसके क्वेश्चन भी मैं लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं जो है, उसके बाद में अपन जो दूसरी शिफ्ट है उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए तो मैं अभी वापस आता हूँ कुछ क्षणों के अंदर ही। पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर पुस्तक, राजस्थान सामान्य ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया धरोहर, कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार धरोहर, राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक धरोहर, जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। तो अगर आपको करना है पूरा सरकार